यूज़ ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स इन लैंग्वेज डिवेलपमेंट डी स्टूडेंट्स मैं इस मॉड्यूल में आपसे ऑनलाइन रिसोर्स के इस्तेमाल पर बात करूँगा लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से द यूज़ ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स हेज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन लैंग्वेज डिवेलपमेंट इन में मल्टी मीडिया सोशल मीडिया इंटरनेट की डेवलपमेंट की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की आ रही है तब्दीली आ रही है बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं ऑनलाइन रिसोर्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ मटीरियल्स इसमें बहुत मटीरियल्स की वसी रेंज है कैन एक्सेस ईज़ीली एंड क्विकली जिसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं तेज़ी से हासिल कर सकते हैं और मेकिंग इट वैल्यूएबल टूल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स तो लैंग्वेज लर्नर के लिए ये काबिल कदर वसायल को के तौर पर इस्तेमाल करते हुए टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट तो लैंग्वेज uh, डेवलपमेंट के हवाले से मुखल किस्म की टाइप इस्तेमाल की जाती हैं उनकी तफसल इस तरह है नंबर वन वेबसाइट्स नंबर टू डॉक्यूमेंट्रीज़ नंबर थ्री वीडियो क्लिप्स नंबर चार फिल्मस नंबर फाइव ऑनलाइन कोर्सेस नंबर सिक्स लैंगवेज लर्नर एप्स एंड नंबर सेवन सोशल मीडिया तो ये न्यू रिसोर्स एंड मैथड्स हैं फॉर लैंग्वेज लर्निंग परपोजल्स यानी लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से इनको हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स पर इनको अगर हम देखें तो ये एक आपके सामने एक पिक्चर डिवेल्प हो रही है जिसमें इनकी तफसील है कि द पर्पज़ क्या है सिलेक्शन क्या है अथेंटिसिटी क्या है फिर अडेप्टलिटी कंटम्प्रेरी क्रिटिकल यूज़ रिलेशनशिप कनेक्शन लर्नर रिसोर्स रिसोज बैंक अब देखें द पर्पज क्या है इनपुट्स स्केफोल्डिंग फोल्डिंग रिफ्लैक्शन मल्टीप्लिसिटी इन यूज और क्रिटिकल यूजर फिर सिलेक्शन के हवाले से उनमें कुछ थेरीज पे बेस करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए और कल्चर मैचिंग रिसोर्स एंड लर्निंग गोल्स डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट कल्चर्स को मैच करने वाले रिसोर्स इंग्लिश हो गई या दीगर कोई लैंग्वेज होंगी अथेंटिसिटी तो मटेरियल की अथेंटिसिटी को भी देखना ज़रूरी है जो एक्चुअल कंटेम्प्रेरी यूज़ एंड लार्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर और अडेप्टबिलिटी के हवाले से हमने अडेप्ट करना किसी को एज इट इज़ यूज़ करना एज इट इज़ इख्तियार कर लेना सो मैक्सिमाइज वैल्यू फॉर पर्टिकुलर लर्नर कंटैम्प्रेरी जो मौजूदा हम असर जो हैं डायनामिक लैंग्वेज कल्चर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस फिर क्रिटिकल यूज़ इफ़ेक्टिव टीचर्स पार्शल पिक्स आर आर लैंगवेज एंड कल्चर और रिलेशनशिप कनेक्शनस तो नंबर सेवन पे है रिसोर्स डू नाट एग्जिट इन आइसोलेशन ये आइसोलेशन में नहीं होते बल्कि इन लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक होते हैं यानी उनके लिहाज से उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर लर्नर्स तो लर्नर्स को भी देखा जाता है कि वो किस लेवल के हैं किस क्या उनके क्रैक्टिस हैं सो इंटर रिलेशनशिप्स एक्सप्रेशन एंड परस्पेक्टिवस यानी उनके नुकता नज़र क्या है उनका फ्यूचर क्या है उनके एक्सप्रेशन क्या हैं और रिसोर्स बैंक के तौर पर इनको रेंज ऑफ एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसिस तो ये इनकी एक रिसोर्स बैंक के तौर पर उनको रखा जाता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्स इन लैंग्वेज डिवेलमेंट कौन से बेनिफिट्स हैं नंबर वन एक्सेबिलिटी एक्सेस टू लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स फ्राम एनी वेयर अब जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है हमें हर पूरी दुनिया से हमारे लैंग्वेज लर्निंग ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल हो सकते हैं इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़ में या किसी भी तरह से ये सोसज़ की एक्सेसिबिलिटी हो सकती है कास्ट अफेक्टिवनेस तो लोअर uh, कास्ट अब देखें इंटरनेट uh, और ऑनलाइन uh, लर्निंग की वजह से पूरी दुनिया एक क्लासरूम बन चुकी है तो ये कास्ट अफेक्टिवनेस है फ्लैक्सीबल यानी ये जो रवायती क्लासरूम है उससे बहुत बढ़ चुका है और उससे यानी बहुत कम वसायल से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं यानी आपका क्लासरूम रूम चूके जहाँ जहाँ तक आपकी रेंज है या जहाँ तक आपका प्रोग्राम जा रहा है वो आपकी उसकी रेंज है तो ये कास्ट अफेक्टिव का कॉन्सेप्ट है फ्लैक्सिबिलिटी तो इन प्रोग्राम में फ्लैक्सीबिलिटी भी ज़रूरी है आ, सेल्फ लर्निंग आ, सेल्फ पेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तो जो इस तरह की रिसोर्स हैं उनसे स्टूडेंट्स अपनी पेस के लिहाज से अपनी रफ्तार के लिहाज से वो सीख सकते हैं वाइटी ऑफ लर्निंग मटीरियल्स तो लर्निंग मटीरियल्स एक जैसा नहीं है बल्कि उसमें बहुत सी डाइवर्सटी है बहुत सी तरह के है वाइड रेंज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फार डिफरेंट लर्निंग नीड्स डिफरेंट लर्निंग नीड्स के हवाले से ये बहुत से प्रोग्राम्स तो अवेलेबल हैं और इंटरेक्टिव लर्निंग लैंग्वेज में इंटरेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे फ़र्ज करें आप लिसनिंग या स्पीकिंग आप सिखाना चाहते हैं तो उसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंगेजिंग एंड इंटरक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसिस ये इस्तेमाल होते हैं ऑनलाइन uh, रिसोर्स में कुछ चैलेंजेज भी हैं चैलेंजेस कुछ इस तरह से हैं ये देखें टेक्नो टेक्निकल इश्यूज सबसे पहला चैलेंज है टेक्निकल इशू लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो टेक्नोलॉजी आप आपके पास एक्सेस नहीं है तो ये एक बड़ा इशू है आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन टू तो स्टे फोकस्ड तो फोकस रहने के लिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए जो कि आमतौर पर नहीं होता और आमतौर पर ऐसा भी होता है कि ये ऑनलाइन रिसोर्स का समटाइम मिस यूज़ भी होता है और लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एक शेर से मैं आपको इसकी बात वजाहत करता हूँ है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत के कुचल देते हैं एहसास मरवत को आलत जो ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ये एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है ये उसका इशू है कि वो कोई जज्बात की बात नहीं करती वो फीलिंग्स की बात नहीं करती तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज सर फेस टू फेस इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड पीयर्स आम तौर पर जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं उसमें इंटरेक्शन जो है वो कम होता है टीचर्स पीयर्स के साथ या टीचर्स स्टूडेंट के साथ स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स अब इनको ऑनलाइन uh, रिसोर्स को यूज़ करने के लिए कुछ स्ट्रेटीज़ uh, भी हम इस्तेमाल करते हैं या इदारे इस्तेमाल करते हैं गोल सेटिंग तो सबसे पहले गोल सेटिंग सेटिंग क्लियर एंड एंड लैंग्वेज लर्निंग गोल्स तो आप गोल्स पहले बनाते हैं सबसे टाइम मैनेजमेंट फिर टाइम मैनेजमेंट भी uh, बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप टाइमली रिसोर्स यूज़ नहीं करते विद इन टाइम भी रिसोर्स आप यूज़ नहीं कर पाते तो ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है लिहाजा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है और ये उस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को या एफिशिएंसी को बढ़ाती है एक्टिव लर्निंग इंगेजिंग इन इट थ्रू ऑनलाइन रिसोर्स तो ऑनलाइन रिसोर्स के ज़रिए इसमें इंगेज होना बिजी होना पियर लर्निंग कनेक्टिंग विद पीयर्स थ्रू ऑनलाइन फोरम्स तो आप दुनिया भर में या मुखलि मुल्कों में या मु, अपने इवन अपने ही मुल्क के अंदर मुख्त्य इदारों के बच्चों के साथ अपने पीयर्स के साथ अपने एज लेवल्स के साथ आप जॉइन uh, करने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए आप ऑनलाइन फोरम्स यूज़ कर सकते हैं और सीकिंग फीडबैक तो फीडबैक हासिल करना ये भी बहुत ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए रिसीविंग फीडबैक फ्राम टीचर्स टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव करने के लिए uh, जाए उस्ताद खालियस तो टीचर की ज़रूरत हमेशा रहती है बेशक आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें uh, उससे आप फीडबैक लेंगे तो आपकी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट होगी तो ये थी स्ट्रेटजीज ऑन एफेक्टिव ऑनलाइन रिसोस के यूज़ के हवाले से